मोहब्बत की बातें बाद में कीजिएगा मिस। फिलहाल मुझे घर ड्रॉप करो, पेपर है कल, याद है ना? हद होती है अब भी पेपर। अनुषा कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। बात सुनो, नहीं मोहब्बत एहसास का नाम, उसे इजहार की जरूरत नहीं होती, महसूस की जाती। और अगर अब आज तक तुम्हें मेरी मोहब्बत महसूस ही नहीं हुई तो अब ये तो क्या है? तुम्हें गले में ढोल लटका कर सबके सामने ऐलान तो नहीं कर सकती ना कि हाँ रस मुझे तुमसे मोहब्बत है। चलो मजाक ही कर, तुम्हारी अम्मी तुम्हें कहाँ यहाँ घर दमाद बन के रहने देंगी। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम एक दफा कहो तो सही। तो ठीक है, जब आंटी अमेरिका जाया करेंगी तो तुम हमारे घर रहने के लिए आ जाया करना। इनफैक्ट हमारे खानदान में इस बात को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन मुझे लगता है कि दामाद भी तो बेटे जैसा ही होता है ना। बिल्कुल, मैं बाबा से बात कर लूं, अगर वो मान गए तो सेट। तुम सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम हो गए थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि सच बोलना और झूठ बोलना तुम्हारे लिए एक बराबर है। तुम मुझे माफ नहीं करोगे? सच में नहीं करोगे? तो ठीक है, मैं अब इन सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूँ। वो भी यूं नहीं, कान पकड़ के तुमसे माफी मांगूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। सब देख रहे हैं। हाँ, देखने तो सबको, मुझे कोई फिक्र नहीं है। अनुषा प्लीज मुझे माफ कर दो, हमेशा तुम्हारे आगे सर झुका के रहूंगा, तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। प्लीज मेरी बात मान लो। हारिस मैं तुम्हें पकड़ के मारूंगी। हाँ हाँ, मारो नहीं बल्कि मेरे गला दबा दो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत डरा दो। प्लीज मुझे माफ करो। माफ किया? ये बताओ माफ किया नहीं किया? फिर से करने दूंगा। अभी बच्चे कहाँ से आ गए बीच में? अभी तो शादी खसारे में लग रही है मैडम, बात बात पर रूठ जो जाते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं अभी उठती हूँ, उठ के जाके शुक्राने के नफिल अदा करती हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला, अपनी अपनी जान में छावर करने वाला लड़का मिला। अब खुश? अरे खुशी तो मुझसे पूछो, मैं कितना खुश हूँ। मुझे तुम जैसी परी जो मिल रही है, और ये परी तुम जैसे दियो की कैद में जा रही है। काजी साहब, मैं निकाहनामा पढ़ना चाहूंगी। जरूरत नहीं है बेटा, मौलाना साहब शुरू कीजिए। अंकल, मुझे पहले निकाहनामा पढ़ना। हारिस, तुम अभी सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या तुम इस सारे मामले में मेरे साथ हो या नहीं।